अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग फार्म पहुंच चुके हैं और अब देखते हैं फार्म पे क्या काम हो रहा है और किस किस ने क्या क्या काम कर लिया। और आज सबसे पहले तो हम उस्ताद से मिलते हैं और आज हम पतलू उस्ताद को भी लेकर आए हैं। मोटू तो आप लोगों ने देखा हुआ कबीर को, आज हम पतलू उस्ताद को भी दिखाएंगे और पतलू उस्ताद को पता चला कि उन्होंने कैब में आ रहा है तो वो देखे माविया भाई कैब लेके भागते हैं पतलू उस्ताद अपनी उजड़े हुए चमन को। तो भाई वो भाग गए, ये वापस आ गए इधर। तो भाई सबसे पहले आके मिलते हैं माविया भाई से और छोटू पतलू उस्ताद से। तो भाई पतलू उस्ताद ये काम आज आप लगे में आपकी जरूरत पड़ गई, हमसे काम होना नहीं रहा था। उस्ताद से अकेले में नहीं हो रहा था, आज आपको आना पड़ गया। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल बेहतरीन। आपका कितनी साल का तजुर्बा है? 20 साल का तजुर्बा है इनका भाई। तो दोस्तों अब जो है ना ये देख रहे हैं आप लोग काम कैसे टाइट चल रहा है। बिल्कुल तामीराती काम अपने उरूज पर। तो आपने वो बोर्ड नहीं लगाया? सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बिंग। नो नो। अच्छा अब चलते हैं उस्ताद के पास। उसी दिन कंप्लीट होने वाला था काम, आज तक कहाँ लग गया। अस्सलाम वालेकुम जावला उस्ताद, कैसे हैं आप? जावला उस्ताद के जो है ना आप समझ रहे हैं कराची वालों की वजह से। तो जावला उस्ताद से पहले पूछते हैं, जावला उस्ताद ये इतने दिन कैसे लग गए काम के? काम कंप्लीट जल्दी क्यों नहीं हुआ? जावला उस्ताद कह रहे हैं हो जाएगा। तो समझ रहे ना आप, ये कारीगरों में जो है ना वो बात ये है कि मैं वीडियो में इनकी ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकता। तो फिर हम काम देखते आओ, ज़्यादा तारीफ करती तो रेट बढ़ जाते हैं आपको पता है ना। ये वैसे माशाल्लाह कारीगर बहुत अच्छे हैं मगर फिर भी मैं इनका नंबर नहीं दूंगा आप लोगों, क्योंकि हम काम करा के भूखा तो आप भी बाद में हमें दुआएं दे। इससे बेहतर ये है कि बस आप काम देंगे, माशाल्लाह काम हो गया और ये सारा काम हो रहा है। गेट जो है वो कल सही से नज़र नहीं आ रहा था, अब आप गेट देखें, ये गेट लगवाया है। तुम तो जाओ, आप गेट है पूरा और ये वाली जगह पे तराई हो गई थी आज सुबह, तो तराई की हुई है और यहाँ पे मिट्टी बहुत हो रही है और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है। कल हम यासीन भाई का मजाक उड़ा रहे थे तो आज हमारे साथ ही हो गए। तो अब देखते हैं भाई आगे चल के छपरे अपरे को देखते हैं। अच्छा छपरे की एक बात बताना भूल गया था मैं, वो ये कि आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ से तो खांचा खुला हुआ है, तो इसने कौन सा नया छपरा डलवाया भाई? भाई सीन ऐसा है कि हमारे अभी जानवर कम है और हमें तकरीबन आधे हिस्से की ज़रूरत थी फिलहाल, तो हमने अभी आधे हिस्से पर डलवाया छपरा के जब जानवर और बढ़ेंगे, क्योंकि आधे हिस्से भी बहुत सारे खूंटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो सिर्फ इन दो साइडों में, अगर सिर्फ हम यहाँ तक देखेंगे 17 के बाद हमारे पास इस साइड पे कितने खूंटे ये देखते, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33 खूंटे हैं हमारे पास, 33 जानवर हम इस एरिए में से खड़े कर सकते हैं। उसके अलावा जो पीछे का एरिया है वहाँ पे जो है हम लोग बहुत सारे जानवर खड़े कर सकते हैं, मगर वहाँ पे जो है वो इन 30-33 जानवरों को जब इस क्वांटिटी से, अभी तो कम से कम जो है हम कोशिश करेंगे तो 10 तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी जानवर कम है इसी वजह से छपरा भी छोटा आधा ही लिया था, आधा ही बनवाया था। तो इस छपरे को देख लें आज आपको जो है ऊपर से दिखाते हैं छपरा। तो भाई ये देखें, ये अब पता चल रहा है कि यहाँ तक जो है ना छपरा बना है वहाँ से लेके, और बाकी जो है वो वैसे ही उजड़ा हुआ है। मगर जो सबसे अच्छी चीज़ है ना यहाँ की, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ऊपर बनी हुई ना जगह ये बहुत ही टाइट बनी हुई है। तो आज आपको जो है ना ऊपर का व्यू दिखाते हैं और ऊपर चल के बात करते हैं। ऊपर पहुंच गए, अब कैमरामैन ऊपर आएगा इसलिए मुझे मोबाइल को पकड़ना पड़ेगा, और आज कैमरामैन क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए आज कैमरामैन यासीन भाई बने हुए, मैं दिखा देता हूं। अब आप बोल दिया तो दिखाना पड़ेगा। ये रे यासीन भाई कैसे हैं आप? आज आप मेरी बड़ी मदद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आ जाएँ आप भी। तो भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई
ये ऐसे कूद कूद कर आ रहे हैं ऊपर, क्योंकि अभी तक जो है ना सीढ़ी आई नहीं है, सीढ़ी लगानी है हम लोगों ने इस जगह पे। ये देखें ये दो स्टेप्स बने हुए हैं और ये यहाँ से जो है आने का एक्चुअल रास्ता बना हुआ था, मगर यहाँ पे अभी सीढ़ी नहीं है, वो सीढ़ी हम लोग लेकर आएंगे। अब हम अपने कैमरा मैन को वापस दे देते हैं मोबाइल। तो भाई अब आप लोग देखें ये है पूरी जगह, इसको हम लोग शेड डाल देंगे पूरा कंप्लीट करके, और शेड डालने के बाद जो है ना पूरी जगह कवर हो जाएगी और फिर यहाँ मस्त बैठा करेंगे और ब्लॉग स्टार्ट किया करेंगे कभी यहाँ से कभी वहाँ से, तो मज़ा आने वाला भरपूर। और अब देख लें आपको छपरा ये आधा बना हुआ है वहाँ से देखिए वहाँ तक, और ये वाला एक जो है ना ये पोल भी यहाँ से गायब था, उसकी जगह पे हमने बांस लगाया है। बाकी छपरा ऐसे बना हुआ है, खाने की खोर सेट हो चुकी है, पानी की ओधी भी सेट हो चुकी है। अब फाइनली काम रह गया है जो वो ये है कि ये जो जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं ना ये नीचे कमरा है, और ये जितना लंबा चौड़ा यहाँ पे नज़र आ रहा है इतना ही चौड़ा नीचे से मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ही, नहीं इतना ही है जितना ये जगह नज़र आ रही है उतना ही है। तो इसके अंदर हम चारा भी रख लेंगे और एक बंदे की रहने की जगह भी बन जाएगी। इस कमरे के अंदर जो है हम प्लास्टिक बिछाएंगे पहले नीचे, जो ऑरेंज वाला तिरपाल होता है उसके साथ जो है पन्नी या तो फिर सिर्फ पन्नी, ताकि नीचे से नमी जो है ना किसी चारे पे ना। मैं सोच रहा था कि मैं यासीन भाई को एडवाइस करूँ कि हम पायलट लगा दें, मगर फिलहाल जानवर कम है तो इतना ज़्यादा चारा आएगा नहीं कि हमें पायलट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वेट नहीं होगा, क्योंकि थप्पी के ऊपर जब थप्पी लगती है एक बोरी के ऊपर फिर ज़्यादा बोरी हो जाती है तो वज़न ज़्यादा हो जाता है, फिर जो है वो ज़मीन से को चॉपर जो है ना ज़मीन से रगड़ से फट जाएगा और फिर जो है ना लाजमी जो है नमी चढ़े। तो खैर वो अभी की कहानी नहीं है, वो बात करें अभी जो है वो ओवरव्यू देख लेते हैं, और बाकी जो है काम फिनिश होने के बाद शाम में जो काम देखेंगे उसके बाद आप लोगों को दिखा दूँगा सिंगर। और देखें यहाँ पे सस्ते सिंगर भी चल रहे हैं और माशाल्लाह हाथ हिला दो देखा आपने, मस्त माहौल है, माहौल बहुत अच्छा है यार, खुश हैं लोग। हालांकि मुल्क के हालात आपके सामने हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, और ये हालात ख़राब वाला डिस्कस मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आज ही सुबह सुबह हमारा चलान कटा है लाइसेंस ना होने की वजह से, और लाइसेंस के बाद जो है उन्होंने मुझे एक बात ये बोली कि आप अपनी जो है ना बाइक के आगे भी नंबर प्लेट लगाएं। हालांकि वहाँ पे तकरीबन 3-4 हमारे जो है बाइज्जत ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए थे, उनमें से किसी की खुद की भी नहीं लगी हुई थी अगली नंबर प्लेट, मगर हम आवाम हैं तो हमें तो लगानी पड़ेगी क्योंकि KGF चैप्टर 3 है ये और आप इसके अंदर ही है तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कयामत आ चुकी है और हम जानूं में और यहीं वीडियो शूट चल रही है। खैर ये तो एक मजाक था, बाकी हम शाम में कंटिन्यू करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा काम। ठीक है Are y'all ready for this? काम जो है वो पहुंच गया तकरीबन अपने इख्तिताम के करीब, मगर काम तो काम है वो तो बहुत है। ये दीवारों पे कलर कर दिया हम लोगों ने, ये थोड़ा सा बाकी है यहाँ पे कलर, और ये सामने भी कलर हो गया है और कलर जो है भरपूर हमने कर दिया है। कलर ऐसा कर देंगे इंशाल्लाह कि एक शक्ल निकल आएगी, कलर से बहुत फर्क पड़ गया यार, ये कलर किया है पूरा यहाँ तक जो है ना तो ये सारा कलर वलर कर लिया हम लोगों ने,
ये पूरा, और ये जो है ये भी पूरे हो गए हैं कुंडे मुंडे। ये वाली जो जगह थी ये भी सारे पक्के हो गए। अब सिर्फ जो है एक सफाई होनी है, और फिर कल जो है कल बाकी का कलर करेंगे, इस वाली साइड का कलर करेंगे, और गेट्स भी जो है वो कलर करने। थोड़े बहुत तो हो गए हैं मगर कलर ख़त्म हो गया था, तो उसकी वजह से जो है वो रोकना पड़ा काम। यहाँ की भी सफाई हो गई है, जो बड़ा बहुत ज़्यादा भर के कचरा पड़ा हुआ था वो उठा लिया है, और पीछे की भी हमने सफाई करवा दी है। अब वहाँ पे जो है वो एक डंपर डलेगा बालू रेती का, और वहाँ पे जो है टायर गाड़ के बछड़ों की जो है दिन में खड़े होने की जगह बन जाएगी। ये यहाँ का भी सारा कचरा देखा था आप लोगों ने, ये सब उठ गया है, और तकरीबन जो है वो फाइनल पे। इंशाल्लाह एक दो दिन में जो है इसको फाइनल कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो जानवर लेकर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। बाकी कल दिखाऊंगा जब ये कलर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर बाकी का कल देखते हैं। ठीक है।